जो हो सकती गाइस वेलकम मानी ब्लॉग। तो गाइस आज है संडे, आज मैं और दीवी चल पड़े हैं अपने खेत की तरफ। तो आज हमारे खेत में सरसों की फसल की कटाई होने जा रही है। तो आज मैं और दीवी जा रहे हैं खेत की तरफ, तो हम भी वहाँ पर सरसों की फसल की कटाई करेंगे। तो अगर आपने इस ब्लॉग को लाइक नहीं किया तो लाइक कर, चैनल पर सब्सक्राइब करना। अगर इस ब्लॉग में मैं बिना फालतू की बात ना करूँगा, सीधा चलते हैं अपने खेत की तरफ। तो गाइस देख सकते ये बेर का पेड़। तो गाइस देख सकते चारों तरफ मतलब यहाँ पे सरसों की फसल कट चुकी है। तो गाइस जैसे अभी हम खेत के पास आप जानते पहुंच चुके हैं। अभी तो मैं और दीपी जा रहे थे। गाइस देख सकते ये दीपी अपने हाथ में टिफिन बॉक्स लेके नहीं आई है, ये आपको बताया तो सास का सास है इसके हाथ में। तो गाइस जैसे तो इमली का पेड़ जिसमें जो है इमली लगी हुई है। तो गाइस फिलहाल के लिए मैं अभी खेत में पहुंच चुका हूँ, जो कि दीपी मतलब वहाँ पे टिफिन मतलब वो रखने गई है और मैं इस साइड में आ गया लेके। मुझे भी उस तरफ जाना पड़ेगा और यहाँ पे मतलब खेत की तरफ मेरी मम्मी और बुआ वहाँ पे मतलब सरसों की फसल कटाई कर रहे हैं। जो कि तो गाइस देख सकते हैं मेरी बुआ यहाँ पे सरसों की फसल का कटाई कर रहे हैं। और तो गाइस इस खेत में हमने सरसों की फसल को काट दिया है, मतलब बुआ ने और मेरी मम्मी और पापा ने मिलकर और यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। तो गाइस ये थोड़ा सा खेत बचा हुआ है, ये होते ही सीधा हम इस खेत में आएंगे। जो कि तो गाइस जैसे तो लंच के सारे सामान यहाँ पे पड़े हुए। तो गाइस फिलहाल के लिए भी मैं जाता हूँ पापा के पास। जो ये पानी आ रहा वो इस तरह जाके फिर घूम घूम के वहाँ पे जाएंगे पापा के पास। तो गाइस पापा आ चुके हैं गेहूं की फसल को पानी देख के भी आ चुके हैं। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ अभी गेहूं की फसल के पास, जो कि पापा ने मतलब जिस अभी नई झोपड़ी लगाई है। तो गाइस जैसे अभी आपको दिखाएंगे झोपड़ी अच्छी तरह। और आपको बताओ तो भी मतलब जिस टाइम भुट्टे की फसल थी, मतलब हाँ भुट्टे की फसल थी, तब अलग झोपड़ी थी जो वहाँ पर थी। यहाँ पे अगर दूसरी झोपड़ी यहाँ पे मतलब आपको दिखाएंगे तो भी गेहूं की फसल हमारे काफ़ी छोटी है। पापा मतलब पानी पापा ने गेहूं की फसल को पानी देके चले गए अभी फिर से गेहूं की फसल के पास, क्योंकि मतलब पानी एक थोड़ा ही बाकी देना था, क्योंकि कल दे दिया था थोड़ा और आज थोड़ा देना बाकी था, जो कि दे दिया है। अभी पापा चले गए हैं। तो गाइस देख सकते हो तो ये झोपड़ी है जो पापा यहाँ पर रात को सोने के लिए आते हैं। तो गाइस देख सकते हो हमारी फसल गेहूं की फसल तो है लेकिन काफ़ी छोटी है, जो कि देख सकते हो। तो गेहूं की फसल अभी गेहूं की फसल आपने देख ली, अभी मैं जाता हूँ अभी मतलब सरसों की फसल काटने के लिए। मैंने यहाँ पे तारबंदी बंद कर दी है, अभी चलते हैं हम पापा के पास। तो गाइस देख सकते हो पापा यहाँ पे हमें गाजर को निकाल रहे हैं, जो कि देख सकते हो। तो इसको भी इकट्ठा करते एक तरह इसको इसका तोड़ तोड़ के। तो गाइस फिलहाल के लिए हमने सारे मतलब गाजर के ऊपर से जो था मतलब वो अभी तोड़ दिया, अभी इसको गाजर को फसल गाजर को इस थैली के अंदर मतलब रखेंगे। अभी थैली को धो दिया फिर अभी गाजर को रखेंगे ऊपर इसके ऊपर। तो गाइस धो दिया अभी रखते हैं इसके अंदर। तो गाइस देख सकते अभी हमने गाजर को धोकर यहाँ पे रख दिया है। तो गाइस फाइनली भी हमने गाजर को धो दिया है अभी, और दीपी के हाथ में थोड़ी गाजर है जो बुआ के लिए और मम्मी के लिए के। इसकी कटाई हो रही है। देखिए इतनी सारी फसल काटती आज हमने ये बोल ले लिए। तो गाइस दोपहर के बज चुके हैं एक, तो अभी हमारा हुआ मतलब लंच हुआ, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर खाना वाना खाएंगे। अभी दोपहर के 3 बजने को आए, अभी मैंने थोड़ा सा रहा है जो कि इतना सा रहा है वो मतलब इतना सा रहा है जो हो जाएगा। अभी सर मेरी मम्मी और बुआ यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और मेरा भाई बोल रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे सोया हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए, हम सभी सोए हुए हैं। तो गाइस शाम के बज रहे हैं, अभी शाम के 6 बज रहे, जो कि अभी हमने इस खेत में जो भी सरसों की फसल थी कटी हुई जो हमने यहाँ पे इकट्ठा कर ली है। तो गाइस देख सकते हैं ये रही हमारी मतलब सरसों की फसल जो हमने इकट्ठा की थी, और इसने इस पर हमने जो भी मतलब हम सभी मिलकर यहाँ पे जो भी फसल थी सरसों की फसल थी वो हमने काट दिए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे थी जो, और उसे भी हम इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पे, फिर मतलब थोड़े दिन फिर एक वो वाला बाकी रहा है। तो गाइस फाइनली भी हमने सरसों की फसल काट के आ चुके, भी मैंने मतलब नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। तो अभी आए हो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलता है इस ब्लॉग के साथ, गुड बाय।